not there for you physically, but we have a surprise for you. And sit back and enjoy the surprise. Love you. वो मेरे टाइप का नहीं है. तुम्हारी टाइप का है कौन और कब मिलेगा? You never know. वो कभी भी कहीं भी मिल सकता है. Shut up. शायद वो यहीं कहीं होगा. बोलो भला, इतनी सुंदर लग रही है. सलवार कमीज पहनना तो तुम आजकल की लड़कियां जैसे भूल ही गई हो. अच्छा अच्छा बता, उनके सामने कैसे मुस्कुराएगी? अरे जल्दी बता. तुम सबको पॉइंट्स 10 पे दिया जाएगा. मेरे साथ प्रॉम जाने के लिए तुम सबको 3 डिपार्टमेंट्स में ब्रिलियंट होना चाहिए. एंड दैट इज गुड लुक्स एंड गुड लुक्स. और ये तुम्हारा कमरा है. Cool. अच्छा सुनो, अगर किसी भी चीज की जरूरत हो, कुछ भी चाहिए हो, तो मुझे पूछने की कोई जरूरत नहीं. मेरे फोटो को सीने से यार चिपका ले सैया बेबी कॉल से. ये वो बेबो में बेबो दिल मेरा ले लो, दिल देने आई ले लो जी ले लो. आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है? ये तो मुफ्त है. गुड, क्योंकि चिल्लर नहीं है मेरे पास. मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय करूंगी. मुझे ना पहाड़ बहुत पसंद है. रियली, एक तो ये हिल और माउंटेन के बीच फर्क क्या है मुझे आज तक समझ में नहीं. बचपन से ही ना मुझे शादी करने का बहुत क्रेज है. बाइक और तुम हमेशा ऐसे ही बकवास करती हो या आज कोई स्पेशल ओकेजन? नहीं, मैं तो हमेशा बकवास करती हूँ. तुम? नहीं, मेरा फर्स्ट टाइम है. एक्चुअली तेरी जैसी मिली नहीं ना आज तक कोई. बटिंडा चल, मिलवाती हूँ. सुनो, तुम तो बहुत ही अमीर निकले यार. मेरी बहन के साथ भाग जाओ ना, हम सबकी लाइफ सेट हो जाएगी. ओरिजिनल पीस है, मालूम है ना तुझे, ऐसा दूसरा नहीं है. तुम अपने आप को बहुत पसंद करती हो. बहुत, मैं अपनी फेवरेट हूँ. दिवाला से याद है कि दिवाली आ रही है. आप पटाखे की दुकान क्यों नहीं खोल लेते? वसूली फायरवर्क, वसूली चक्री, वसूली सुरसुरी, वसूली लोंगी, वसूली मिसाइल. अरे झुकी क्यों, वसूली रॉकेट भी तो निकलेगा. मुझे तुमसे प्रॉब्लम है. पर अभी तक तुम्हारे साथ मैंने ऐसा कुछ किया भी नहीं है और कुछ करोगे भी नहीं, और तुम्हारी इतनी अच्छी किस्मत भी नहीं है. और अब मैं क्या करूंगी? हाँ, मैंने तुमसे कहा था ट्रेन से उतरने के लिए, तुम अपने काम से काम नहीं रख सकती. ओह, मेरी गलती है बेशरम. मैं तुम्हारा हेल्प कर रही थी, तुम्हें मुझे थैंक यू बोलना चाहिए और तुम मुझे एटीट्यूड दिखा रहे हो. एक दिन करूंगा कितना? दिन भर के लिए क्यों चाहिए, हमें कौन सा दिन भर रहना है? सुनो, मैं बात कर रहा हूँ. हाँ, बहुत कमाल बात कर रहे हो. पैसे भी कम है और हम रूम घंटे के हिसाब से लेंगे. जीत, यू नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज बी प्रैक्टिकल यार, इसमें शर्माने की क्या बात है. हमें कौन है ये जिसने दोबारा मुड़ के मुझे नहीं देखा? Who is he? कपड़े पहन के आ गई. पता है मंदिर में सब घूर घूर के देख रहे थे. अगर भगवान को देखने के बजाय सब मुझे घूर के देख रहे थे तो इट्स नॉट माय प्रॉब्लम. तुम गुजराती हो, इतने क्यूट होते हो, पर तुम लोग का खाना इतना खतरनाक क्यों होता है? ढोकला, फाफड़ा, हंडवा, थेपला, ऐसे लगता है जैसे कोई मिसाइल्स है. चल कम. साले सुअर की औलाद, तुझे क्या लगा तू मुझे छोड़ देगा? तुम्हें जिंदगी भर तड़पती रहूंगी. तड़पेगा तू कमीने, कीड़े पड़ेंगे तेरे ऊपर.
कुत्ते की मौत मरेगा और मरने के बाद हमेशा हमेशा के लिए नरक की आग में जाएगा तेरी मौत। बड़े गर्ल्स मलाई, आई लव यू, डू यू लव मी, गॉड ब्लेस यू डियर। मुस्कान, विश यू अ हैप्पी कोविड फ्री बर्थडे, वी ऑल गिव यू द ब्लेसिंग्स, विश यू हैव अ वेरी गुड गुड डेज ऑफ योर लाइफ, इयर्स, आशीर्वाद विद यू, ओके। मैंने मैंने हैप्पी टर्म्स ऑफ द डे, मैं तेरे बर्थडे में ना बेटा एक छोटा सा एक बात ऐसे शेयर करता हूँ। दादा सब बच्चों से प्यार करते थे, लेकिन जो भी दीदियों को देखते थे, मतलब अपनी बेटियों को देखते थे ना, उनकी आंखों में एक अजीब चमक, फेस पे एक अजीब बहुत ही प्यारी स्माइल आती थी। मैं हमेशा सोचता था कि हमें देख के उनके फेस पे स्माइल क्यों नहीं आती है। वो बात अब समझ में आती है, जो रोज सुबह में तेरी शक्ल देखता हूँ ना बेटा, तब वो इमोशन क्या होता है समझ आता है। हैप्पी बर्थडे बेटा, मैनी मैनी हैप्पी बर्थडे। मुस्कान, जब भी ना कभी खुशी कभी गम लकी थी ना, तभी तो 3 साल की थी, तभी ना उसमें पू देखी मैंने, मैंने बोला ये तो हमारे घर में अभी पू आ गई है। फिर जब भी वेट लगी तभी तू 9 साल की थी, तो मैंने बोला अब ये तो भाई कंफर्म हो गया हमारे घर में एक बेबो आ गई है। वो अपनी फेवरेट थी, तू तो अपनी है ही है, हम सबकी भी फेवरेट है। आई लव यू मेरा बेटा, हैप्पी बर्थडे टू यू।